अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने बनाया है आलू मटर और कीमा। ये कैसे बनता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये पाव किलो कीमा है बकरे का, और ये मैंने लिया है एक आलू है मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये हाफ कप हरी मटर है, और ये मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लिया है, और ये है तीन हरी मिर्च, ये एक चम्मच है, एक टीस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा हरा धनिया है, और वो दो मीडियम साइज़ के टमाटर है, और ये मैंने लिया है इसमें तीन से चार काली मिर्च है, चार लौंग है, और दो छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, ये गरम मसाला है, और ये है धनिया पाउडर है एक टीस्पून, एक टीस्पून नमक है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, और एक टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर है। चलो फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये कुकर को रख देते हैं गर्म होने के लिए। कुकर गरम हो चुका है, ऑयल डालेंगे इसमें। तीन बड़े चम्मच में ये वाले ऑयल डालूंगी, आप अपने पसंद से डालना, आपको जितना ऑयल पसंद हो कम या ज़्यादा। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम ये प्याज डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर साथ ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी में हम अब ये खड़े मसाले भी डाल देंगे, और इसको भी इसी के साथ में फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये डाल देंगे अदरक लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसी में अब हम कीमा डाल देंगे, और कीमे का रंग कीमा डाल देंगे इसमें। उसको भूनेंगे अच्छी तरह से, इसका कलर चेंज होने तक फास्ट से ही भूनेंगे। ये कीमे ने पानी छोड़ दिया है, अब हम इसको पानी को सूखने तक इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से, ड्राई होने तक पानी, और फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। इसका पानी सूख चुका है, अब इसी के अंदर हम ये ड्राई मसाले डाल देंगे, और उसको और इसी में हम वो टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर और ये मसाले डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये टमाटरों के साथ इसको भूनेंगे हम अच्छी तरह से। मसाले डाल के मैंने भून लिया है, ये ऑयल आ गया इसका सेपरेट हो गया है, अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं एक कप पानी डालकर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। फास्ट पे ही भूनेंगे इसको अच्छी तरह से, इसका पानी बिल्कुल ड्राई होने तक। कीमा अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। एक कप पानी डालूंगी मैं, आपको जितना चाहिए मतलब जितना हो सके मतलब कम पानी हो वही ठीक है ये। और अब हम इसको कुकर की लीड बंद करके पकने के लिए रख देंगे। दो प्रेशर लेंगे
और उसको रख देंगे। कुकर की लिड बंद कर देंगे। दो से तीन प्रेशर लेंगे इसको, इसको खोल कर देखते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया था और इसका प्रेशर रिलीज होने तक इसको ठंडा होने दिया अच्छी तरह से। और अभी मैं इसको खोलती हूँ, देखेंगे ये रेडी है मैंने। अब हम इसमें इसको वापस से ऑन कर देंगे गैस को। और इसमें हम डालेंगे मटर और आलू जो रखे हैं वो डाल देंगे इसमें। थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें भी, हाफ कप जितना, और इसको पकने देंगे। ये हाफ कप जितना पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसका ढक्कन बंद करके इसकी एक विसिल लेंगे और उसको बंद कर देंगे, इसकी लीड लगा देंगे। और एक विसिल लेके इसको बंद कर देंगे। ये रेडी हो चुका है कीमा, अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत अच्छा बना है ये कीमा, आप भी बनाना जरूर इसको और कमेंट में बताना कि ये कैसे बना है। और ये थोड़ा हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे हम। बताना कि ये कैसे बना है और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबाना। दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।